यार ये वाला लीवर खींचते ही पूरे के पूरे गैस स्टेशन में लाइट आ जाएगी और अब लाइट चालू हो गई है। सारी तैयारियां तो हो चुकी है, बस हमें एक लीवर खींचना है और हमारा गैस स्टेशन ओपन हो जाएगा। हाय गाइस, मनोज यार, कैसे हैं आप सब? तो आज हम लोग खेलने वाले गैस स्टेशन सिम्युलेटर। सो गाइस, कहानी शुरू होती है एक बंदे से जो कि घर से निकलता है सिर्फ एक कार लेकर और एक एम लेकर की लाइफ में वो कुछ करेगा। घर वालों के ताने सुन सुनकर की लाइफ में कुछ कर वो निकला है गाइस इस रोड पर सिर्फ एक कार लेकर। वैसे तो यार खाली हाथ लेकर निकलते हैं हमारे इंडिया में, लेकिन यार ये अमेरिका है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये आसपास देखे जा रहा है यार कि कुछ इसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए कुछ करने की और अपने आप को साबित करने की कि ये बंदा भी बहुत कुछ कर सकता है लाइफ में। तो उसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में ये यहाँ वहाँ देखे जा रहा है और शायद से सामने वो एक गैस स्टेशन दिख गया है जिसको यार ये खरीदेगा। फॉर सेल का बोर्ड लगा हुआ है। तो अब यार इसके अंदर चलते हैं और चल के यार हम लोग गैस स्टेशन को परचेस कर लेते हैं। लेकिन यार गैस स्टेशन परचेस करने के लिए तो इसके पास पैसे ही नहीं है, तो शायद ये अपनी कार सोल्ड कर देगा गैस स्टेशन के लिए। और हाँ गाइस, इसने अपनी कार बेच दी है एक गैस स्टेशन खरीदने के लिए। तो गाइस 12 घंटे हो चुके हैं, अब 12 घंटे बाद ये उठेगा। घर से निकला था गाइस, कहीं पर पैड नहीं, कहीं पर कुछ नहीं यार। अब इसको बेड का कम से कम इंतजाम तो हो ही चुका है, चैन से वो आराम से सो सके। और यार यहाँ पर कचरा बहुत ज्यादा है, तो सबसे पहले तो इसको सफाई कर देते। अरे यार ये निशाना सही से लगा नहीं, इस गार्बेज को फेंक के देखते हैं। ओ भाई, डायरेक्टली जाके गिरा है ये अंदर डस्टबिन के। और इस बैग को और हम लोग फेंक देते हैं घर से बाहर कि इस घर में कम से कम थोड़ी बहुत सफाई तो हो ही जाए। तो अब यार पूरा का पूरा आराम कर लिया है हमने, अब फटाफट से चलते हैं गैस स्टेशन के पास और गैस स्टेशन को देखिए यार कि आखिर गैस स्टेशन में ऐसी क्या क्या खराबी है जिसको हमें ठीक करना पड़ेगा गैस स्टेशन को स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखा देता हूँ। वो देखिए गाइस, सामने है गैस स्टेशन, तो हमें वहां पर जाना है। और ये गाइस पूरा का पूरा टैंक पड़ा हुआ है पेट्रोल का, जहां पर पेट्रोल स्टोर करके रखा जाता है। और ये गाइस लकड़ी के यार टुकड़े बने हुए हैं, तो सबसे पहले तो यार इस लकड़ी के टुकड़े को साइड में रख देता हूं। यार हम गैस स्टेशन के अंदर कैसे जाएंगे, तो यार इसलिए मुझे पूरा का पूरा साफ करना पड़ेगा। और ये गाइस हमने सारे टुकड़े हटा दिए और ये है गैस स्टेशन। इतनी गंदगी, मतलब यार सारी की सारी चीजें आजू बाजू बिखरी हुई पड़ी है। यहाँ का भी मैं हटा देता हूँ यार, इस गेट को भी हम लोग ओपन करें यार कि दोनों गेट हम लोग यूज कर पाए। लेकिन इतनी ज्यादा ही गंदगी, इतनी खतरनाक बदबू आ रही है इस गैस स्टेशन में। तभी इस बंदे ने यार पूरा का पूरा गैस स्टेशन सिर्फ एक कार के लिए सोल्ड किया। इस गैस स्टेशन की हालत तो काफी ज्यादा खराब है, मतलब यार इसमें काफी कुछ हमें रेनोवेट करना पड़ेगा इस गैस स्टेशन को ओपन करने के लिए। सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर अंधेरा बहुत ही ज्यादा है, तो सबसे पहले हमें अंधेरा मिटाना होगा। तो फटाफट से यार बाहर चल के देखते हैं कि गैस स्टेशन की लाइट का सप्लाई कहाँ से है। तो यार हम लोग बाहर आ चुके हैं और ये देखिए गाइस, हमको लोग वायर को फॉलो करते करते जा रहे हैं कि यार हमें कोई स्विच वगैरह मिल जाए जिससे कि हम लोग गैस स्टेशन में बिजली चालू कर सके। और गाइस यहाँ पर ये मुझे लग रहा है एंड है। और हाँ गाइस, यहाँ पर ये हमें मिल चुका है प्लग। ये प्लग दबाते ही पूरे के पूरे गैस स्टेशन में बिजली आ जाएगी और यहाँ पर गाइस लाइट्स चालू होती जा रही है। अब कुछ बात हुई यार गैस स्टेशन की, तो अब यार फटाफट से चलते गैस स्टेशन के इधर। और ये गाइस बाथरूम है यहाँ का, इतना छोटा बाथरूम और इतना गंदा बाथरूम, चलो कोई ना यार इसमें भी हमें गुजारा करना पड़ेगा। और ये क्या गाइस, कहीं फोन की आवाज आ रही है और कहीं फोन बज रही है, तो चलो यार चल के देखते हैं कहाँ पर फोन बज रहा है। तो यार टेलीफोन बूथ हमें मिल चुका है और सामने बज रहा है फोन। सबसे पहले तो हम लोग फोन उठा लेते हैं इसको। तो गाइस फोन पे मेरी बात हो चुकी है, आपको बताऊंगा ना किससे मेरी बात हुई है, आप चौंक जाओगे गाइस। वो होते हैं ना कुछ रिश्तेदार, जब काम का वक्त पड़े तब फोन करे नहीं, जब कुछ देखते हैं ना फ्यूचर में करने वाले हैं तब फोन लगाते हैं। तो वैसे ही एक रिश्तेदार का फोन था और वो चीजें बता रहा था कि मैंने तुम्हें एक मेल दे भेजा है, सबसे पहले तो वो मेल पढ़ो और अगर तुम्हें कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो तो मैं पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ। तो अब मैं आ गया अपने पीसी के और ये मेल भेजा है गाइस उसने, और इस मेल को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो गाइस अच्छे से मैंने पूरा का पूरा मेल पढ़ लिया है। उस मेल में जो चीज लिखी है ना आपको क्या ही बताऊं, पूरी की पूरी लोन की इन्फॉर्मेशन है कि इतना इतना परसेंट मैं लूंगा और तुम्हें अर्न करना ही है कैसे भी करके। तो यार अभी फिलहाल तो हम लोग लोन की जरूरत नहीं है, जब होगी तब देखते हैं। तो अब यार सबसे पहले करना क्या है गाइस, यहां पर देखिए यार गैस स्टेशन के सामने ही काफी ज्यादा रेत जमा है। तो यार सबसे पहले तो हमें यार इस रेत को हटाना पड़ेगा। इस रेत को हटाने के लिए यार हमें ये सामने जो दिख रहा है ना जेसीबी की तरह, सबसे पहले यार इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। इसको स्टार्ट करके हमें रेत पूरी की पूरी साफ करनी पड़ेगी। तो गाइस इसमें हम बैठे हैं ना, इसका नाम है रूबी। तो यार रूबी से हम लोग फटाफट से ये साफ कर देते हैं रेत। तो यार सबसे पहले तो इसको हम लोग मोड़ लेते हैं रेत की तरफ। लेकिन ये क्या हुआ, ओ भाई फ्यूल ही खत्म हो गया है।
हम एक गैस स्टेशन के ओनर बन चुके हैं, लेकिन हमारे पास हमारे ही मशीन में भरने के लिए गाइस फ्यूल नहीं है। चलो कोई बात नहीं यार, हमारे पास फ्यूल स्टेशन तो है, तो सबसे पहले तो यार इस फ्यूल स्टेशन से निकालने के लिए हमें एक कैन चाहिए। तो अब मुझे यार एक कैन ढूंढनी पड़ेगी इतने बड़े गैस स्टेशन में। कचरा तो यार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन यार कचरे में एक कैन तलाशना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो गाइस काफ़ी देर मुझे मेहनत करने के बाद एक कैन दिखा ही है, तो इस कैन को उठा के फटाफट हम लोग गैस स्टेशन के पास जाते हैं और इस कैन में भरते हैं पेट्रोल, जिससे कि हम लोग यार वो मशीन स्टार्ट करके रेत साफ कर सकते हैं। तो फटाफट से यार चलते हैं जहां पर हमें पेट्रोल भरना है, और यार वो इसी साइड होना चाहिए गाइस, यहीं पर तो था, वो कहां चला गया हमारा गैस स्टेशन। तो यार पेट्रोल फटाफट से भरकर हम लोग चलते हैं अपने रूबी के पास, और यहां पर ये मैंने लगा दिया एक कैन और ये हो रहा है रिफिल, और गाइस ये पूरा का पूरा फुल हो चुका है। इसको उठा के फटाफट हम लोग अपने रूबी के पास चलते हैं और उसको फुल कर देते हैं टैंक पेट्रोल से, और उसके बाद हम लोग फटाफट से रेत साफ करेंगे, जिससे कि हमारा गैस स्टेशन काफी ज्यादा साफ दिखने लगेगा। तो यार सबसे पहले वो रेत काफी मुझे खराब भी लग रही थी यार, उबड़ खाबड़, कैसे हमारे यार कस्टमर्स आएंगे गैस स्टेशन के अंदर। तो अब तो हमने यार ये भर दिया है, पूरा का पूरा फुल कर दिया है। अब फटाफट से यार हमारे रूबी में बैठ जाते हैं और करते हैं यार वो रेत साफ। तो यार अब हमें फटाफट से यार रेत की तरफ बढ़ना है, और यार रेत को हमें यार सही से भर कर पहाड़ साइड दूर साइड जाके फेंक देना है, जहां पर हमें कुछ भी दिक्कत नहीं आए। और ये हम लोग आ चुके हैं, और ये गाइस हम लोगों ने रेत भरना चालू कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा साफ दिखने लगेगा इसके बाद हमारा गैस स्टेशन। तो यार सबसे पहले इसको रेत को यार फिल कर कर, ओ भाई ये क्या हो रहा है, रूबी में से आग निकल रही है यार, पूरा का पूरा फायर निकल जा रही है यार, क्या ही मतलब यार, अमेजिंग सा ट्रैक्टर है यार, मतलब धुएं आग, देखो गाइस आग लुक देख रहे थे गाइस आप। तो यार अब फटाफट से हम लोगों ने इसको तो भर लिया है रेत को, अब इस रेत को जाके हम लोग साइड में फेंक देते हैं यार, जिससे थोड़ा सा गैस स्टेशन साफ दिखने लगेगा। तो अब यार यहाँ पर मैं आराम से इसको डंप कर देता हूँ। तो गाइस दो बार हमने रेत को डंप कर दिया है, लेकिन यार ये क्या हुआ यार, फिर से फ्यूल खत्म हो गया है। चलो कोई बात नहीं, फटाफट से मैं ले आता हूँ, और गाइस यहाँ पर मैं फ्यूल पूरा का पूरा ले आया हूँ, और अब यार इसको डाल देते हैं हम लोग फटाफट से रूबी में, जिससे कि फटाफट से गैस स्टेशन के सामने की रेत साफ हो जाएगी। तो गाइस इस रेत को उठा के हम लोग फिर से फटाफट से डंप कराते हैं, और ये क्या गाइस, रूबी फिर से गर्म हो रहा था, आप देख सकते हैं, इसको फिर से हम लोगों ने ठंडा कर दिया है। तो यार इस रेत को फटाफट से हम लोग यहाँ पर फेंक देते हैं, और गैस स्टेशन की पूरी रेत अच्छे से साफ हो चुकी है। अब गाइस हमें करना क्या है, अब हमें जाना है और वो फॉर सेल का पोर्ट हटा देना है, क्योंकि अब ये गैस स्टेशन फॉर सेल नहीं है, क्योंकि अब हम लोगों ने ये वाला गैस स्टेशन खरीद लिया है। और हमें करना क्या है, जहाँ पर बाहर लाइट से क्लोज का लिखा था ना, उसको हमें ओपन कर देना है, क्योंकि अभी गैस स्टेशन ओपन हो चुका है। और गाइस वो हमें दिख रहा है, आपको बोर्ड अच्छे से दिख रहा है गाइस, उसके नीचे जाके हम लोगों को बटन दबा देना है। और गाइस यहाँ पर ये मैं बटन दबा देता हूँ, इससे ये गैस स्टेशन ओपन हो जाएगा। और गाइस फाइनली हम लोगों ने अपना गैस स्टेशन ओपन कर लिया है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो का लाइक है मैं 50 लाइक्स के बाद गैस स्टेशन सिम्युलेटर का पार्ट 2 बनेगा। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।